सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपसे कोई लोन देने से पहले, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो या फिर किसी भी टाइप का लोन हो, अगर लोन होने से पहले कोई भी एजेंट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे आपको कोई कॉल करके कहता है या फिर आपको पर्सनली कहता है कि मैं आपको लोन दिला दूंगा और आप पहले इतने मेरे अकाउंट में या फिर इतने का आप मेरे को चेक दे दीजिए या फिर इतने आप मेरे को कैश दे दीजिए, अगर आपसे कोई पहले पैसे मांगता है, खासकर पर्सनल लोन में, और खासकर अगर आपके पास ये कॉल आती है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, उसके बाद आपको इतने रुपए की लोन मिल जाएगी, इतने परसेंट पे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो क्या आपको उन्हें पैसे देना चाहिए या नहीं। चाहे वो किसी भी तरीके से पैसे मांगते हो, चाहे वो बोलते हो कि हमारे अकाउंट में जमा करा दीजिए, कंपनी के अकाउंट में जमा करा दीजिए, या फिर आप UPI कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, या फिर किसी भी टाइप से अगर वो पैसे मांगते हैं, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्या आपको उन्हें पहले पैसे देने चाहिए या नहीं। क्योंकि मैंने पर्सनल लोन के ऊपर पहले दो वीडियोस बना रखी हैं और उनके नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि मेरे को फ़ोन आया था और बोल रहे हैं कि भाई 2500 रुपये जमा करा दीजिए, 3000 रुपये जमा करा दीजिए और मेरे को 5000 रुपये जमा करा दीजिए, आपको 3 लाख रुपये का लोन दे देंगे, आपको 5 लाख रुपये का लोन दे देंगे, इतने दिन के लिए लोन दे देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई भी एजेंट, किसी का भी फ़ोन आता है और बोलता है कि लोन लेने से पहले, आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट आने से पहले अगर आपसे किसी भी टाइप के कोई भी पैसों की डिमांड की जाती है, चाहे वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे हो, चाहे वो इंश्योरेंस के नाम पे हो, चाहे वो पेपर वर्क के नाम पे हो, या फिर किसी भी टाइप की डिमांड की जाती है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख रुपये हो, उनको साफ मना कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर उस एजेंट को भी इतना कन्फर्म नहीं है कि मैं लोन करा सकता हूँ, तो फिर 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके लोन वो एजेंट नहीं करा सकता। और ख़ासकर अगर आपके पास बोलते हैं कि मैं बजाज फाइनेंसर से बोल रहा हूँ, HDB फाइनेंसर से बोल रहा हूँ, श्रीराम फाइनेंसर से बोल रहा हूँ, या फिर कैपिटल फर्स्ट से बोल रहा हूँ, और आप इतना बैलेंस हमारे अकाउंट में जमा करा दीजिए और आपको इतने लोन मिल जाएगा, तो 100% आपको ये कह रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी बैलेंस किसी भी टाइप का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 100% ये कह रहा हूँ, वो आपको पागल बना रहे हैं और आपका पैसा लेने के बाद आप उनका कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता लग गई होगी कि चाहे वो किसी भी टाइप का एजेंट है, चाहे वो आपका एजेंट खुद का है या फिर आपको कहीं से ऑनलाइन ऑफर आता है कि पर्सनल लोन ले लीजिए और उससे पहले आप हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस जमा करा दीजिए, तो आपको कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप का बैलेंस जमा नहीं कराना है, ना ही किसी को अपना कोई भी तरीके का बैलेंस आपको उनको देना है। अगर आपके पास कहीं से भी इस टाइप की कॉल आती है, तो आप एक बात 100% सोच के चलिए कि वो एजेंट या फिर वो कॉलर आपको जो भी कॉल कर रहा है, वो आपको पागल बना रहा है और वो आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। 100% फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा इस टाइप का। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं इस टाइप की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता लगी कि किसी को भी किसी भी टाइप का बैलेंस नहीं देना है, खासकर बजाज फाइनेंसर, HDB फाइनेंसर या फिर HDFC बैंक से अगर आपको कॉल आता है, तो इनको कोई भी बैलेंस किसी भी टाइप का नहीं देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, फिर सजेशन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए टीआई हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।